गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप में ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो कैपकट पर आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप वीडियो से फोटो के ऊपर क्लिक करेंगी। उसके बाद आप यहां से अपना फोटो ऐड कर लेंगे। इस तरीके से सिंपली फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप जो एक एक करके अपना सारा पिक्चर सिलेक्ट कर लेना, लाइक जिस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो जितना ज़्यादा पिक्चर आप ऐड करेंगे उतना बेहतरीन क्वालिटी का आप वीडियो बना सकते हो। सो यहाँ पर मैंने टोटल 12 पिक्चर सिलेक्ट किया, आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो उसके बाद हमें ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारा सारा पिक्चर आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके आ जाना है एंड पोजीशन पर, और एंड पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें एंडिंग लिखा होगा, और इसके अंदर एक वाटरमार्क आता है। तो आपको वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है, और आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड ऑडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से साउंड्स के ऊपर क्लिक करेंगी और सबसे पहले आप अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं अपना म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपना म्यूजिक का नाम सर्च भी कर सकते हो। तो हमारा म्यूजिक ये रहा, सो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो म्यूजिक हमारा आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और मैच कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप जो म्यूजिक पर बीट ऐड कर लेंगे जहाँ पर भी म्यूजिक का बीटर है। सो इसके ऊपर क्लिक करके आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो, और आप जो यहाँ पर ऑटो बीट भी ऐड कर सकते हो। तो इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑटो जनरेट। सो ऑटो जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारी पूरी म्यूजिक पर ऑटोमेटिकली बीट आ चुका है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर म्यूजिक का बीट आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, जहाँ पर भी म्यूजिक का बीटर है वहाँ पर आपको उसी पॉइंट पर जाना है। सो यहाँ पर बीटर है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और इसको जो है स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करके फोटो का जो राइट साइड का पार्ट है उसको आपको डिलीट कर लेना है, डिलीट के ऊपर क्लिक करके। सेम इसी तरीके से आपको ये जो पिक्चर सेकंड पिक्चर उसके साथ भी आपको कर लेना है। सो बीट पर आपको चला जाना है, जहाँ पर भी बीटर है उस पॉइंट पर जाना है, वहाँ पर स्प्लिट करना है, और उसके बाद फोटो का राइट साइड का पार्ट डिलीट कर लेना है। और यहाँ पर मैं जो इस चीज़ को थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। सो वरना हमारा जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं इस पार्ट को जो है यहाँ पर स्किप कर लूँगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जहाँ पर भी म्यूजिक का बीटर है वहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो को स्प्लिट करके फोटो का जो राइट साइड का पार्ट है उसको आपको डिलीट कर लेना है। सो ठीक है, सो अभी मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने म्यूजिक के बीट के साथ फोटो को स्प्लिट कर लिया। जहाँ पर भी म्यूजिक का बीटर है तो वहाँ पर मैंने फोटो स्प्लिट कर ली, यानी कि मैच कर लिया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, और फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एनिमेशन। सिंपली आपको एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, और मेक श्योर आप अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन को भी ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से इन एनिमेशन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। सो इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इन एनिमेशन से कुछ एनिमेशन आपको आपको अपनी फ़ोटो पर जो अप्लाई कर लेना है। तो आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और इसकी बिल्कुल एंड पोजीशन पर आना है। सबसे पहले जूम वन को अप्लाई करना है और इस लाइन को पूरा फुल कर लेना है। उसके बाद सेकेंड पिक्चर पर आ जाना है, और यहाँ से आपको जूम टू को अप्लाई करना है, इस लाइन को पूरा फुल कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना अपना थर्ड पिक्चर पर। थर्ड पिक्चर पर आने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, इसको पूरा फुल कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना अपना फोर्थ पिक्चर पर, और इसको आपको अप्लाई कर लेना है, और इस लाइन को आपको पूरा फुल कर लेना है। सो उसके बाद आपको आ जाना अपना जो फिफ्थ पिक्चर है, सो पाँचवा पिक्चर, उस पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको उसे इक्यू वन को अप्लाई करना है, पूरा फुल कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना अपना नेक्स्ट पिक्चर पर। अभी आपको उसे इक्यू टू अप्लाई करना है, इसको पूरा फुल कर लेना है।
उसके बाद आपको आ जाना अपना जो नेक्स्ट पिक्चर है उस पर, और यहाँ से साइकी 3 को अप्लाई करना है, इस लाइन को पूरा फुल कर लेना है। उसके बाद आपको टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी आपको आ जाना है आपको, सो आपको ये जो पिक्चर इसके ऊपर क्लिक करना है, अगेन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, और इस पर आपको कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है। सो कॉम्बो के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने एनिमेशन आ जाएगा। राइट पे स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड पोजीशन पर आ जाना है। यहाँ से आपको सबसे पहले लेफ्ट जूम को अप्लाई करना है, उसके बाद आ जाना अपना नेक्स्ट पिक्चर पर, और राइट जूम को अप्लाई करना है। उसके बाद आपको आ जाना अपना नेक्स्ट पिक्चर पर, और यहाँ से आपको सो ये वाला जो आपको मिलता है इसको अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पर आ जाना है और इसको आपको अप्लाई कर लेना है। सो ये वाला नहीं, सो ये उतना खास नहीं है, तो इसको अप्लाई कर लेना। उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट पिक्चर पर आ जाना है, और यहाँ से आप कोई भी एक रेंडमली एनिमेशन डाल लेना। सो इसको डाल लेते, उसके बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओके, तो हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, और टाइमलाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अभी मैं फाइनली आपको वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से आप अपना वीडियो प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, एज यू कैन सी हियर। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो किस तरीके से हमारे सभी पिक्चर बीट के साथ मैच हो रहा है। सो अगर आप बीट के साथ सही से मैच करवा लेते हो तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से मैंने आपको प्रीव्यू करके आपको दिखा दिया प्ले करके। सो अभी क्या करना है आपको, अपने वीडियो को सेव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ये 1080p शो हो रहा है, सो सिंपली 1080p के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप फ्रेम रेट चूज कर लेंगे 60fps। और उसके बाद आप यहाँ से ये जो आइकन मिलता है एरो का, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कैपकट के अंदर ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।